सभी चैनल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हर जगह पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे ऋषभ भाई है, पुनीत भाई है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और गुजरात में आए हैं, आज हमारे गेस्ट हैं। हेलो फूडीज, वेलकम टू आवर चैनल फूडी सांड। गाइस, आज हम आ चुके हैं गांधीनगर के एक ऐसे भोजनालय पे जहाँ पे आपको 80 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिलने वाला है। अनलिमिटेड गुजराती थाली होगी, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो कहाँ आए हम? हम आए रजवाड़ी भोजनालय। तो भाई एड्रेस हमें राठौर जी बताएंगे। एड्रेस के अंदर आप लोग मिलेगा सेक्टर 16 के अंदर जो आर वर्ल्ड थिएटर है उसके बेसमेंट के अंदर जो रजवाड़ी भोजनालय है उसके अंदर आपको 80 रुपीज़ के अंदर बहुत ही डिलीशियस थाली आपको मिलेगी। तो चलिए ट्राई करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए गाइस। आइए, सो गाइस यहाँ पे हमारा काउंटर, यहाँ से आपको एक टोकन लेना पड़ेगा। 80 रुपीज़ का टोकन पड़ेगा आपको गुजराती थाली का, 80 रुपीज़ है सर। और पंजाबी थाली कितने की? ये ऊपर रेट है 110 रुपये की पंजाबी थाली है। अब अगर आप 110 वाली पंजाबी थाली ले लेते हैं ना तो उसमें आपकी गुजराती थाली भी आ जाएगी। और कितने सारे आइटम्स आप पैक भी करवा सकते हैं, 20-30-40 रुपए जितने भी आपकी जेब में है ना उतने में आपको यहाँ पे खाना मिल जाएगा। तो चलिए टोकन लेते हैं, अंदर चलते हैं और आपके यहाँ का खाना दिखाते हैं। तो भाई ये सब्जी आप देखिए एक बारी, ये कौन सी रहेगी सर? ये आलू मटर है। आलू मटर रहेगी, ठीक है। और फिर आ गए तो मीठा वाला दाल है, ये मीठी दाल है, गुजराती दाल रहेगी, मीठी रहेगी थोड़ी, ठीक है। सेव टमाटर है, सेव टमाटर है, ये भी मीठा रहेगा थोड़ा? नहीं, ये मीडियम रहेगा, ये हमारा दिल्ली का सब्जी है। अच्छा, ठीक है। सेव सर, सेव वो जो नमकीन होती है वो ना? हाँ, वो नमकीन, ठीक है। ये दाल फ्राई है, दाल फ्राई है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। और ये छोले चना है, छोला चना, ठीक है। गुजराती थाली में मीठा दाल, तीखा दाल, ठीक है, एक कठोल, हाँ, एक सेव टमाटर, ठीक है, और ये ग्रीन सब्जी। ग्रीन सब्जी पाँचों रहेगा, पाँचों आइटम, पाँचों रहेगा, बढ़िया। राइस, राइस खाने का अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है, चाहे जितना रोटी मंगाओ जितना चावल मंगाओ। जी अंदर आइए जी सर, डिश लीजिए, हाँ। आराम से बैठकर जो खाने का वो आपकी मर्जी है, सबसे खाना, बढ़िया। तो भाई 80 रुपए में इससे सस्ता अनलिमिटेड आपको है गुजरात में कहीं नहीं मिलने वाला, जो कि यहाँ मिलने वाला है। चलिए ट्राई करते हैं, बूफे सिस्टम है पूरा, जितना चाहे उतना आप यहाँ खा सकते हैं। अपनी प्लेट लेते हैं और आपको टेस्ट करके बताते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको दो तवे दिखाई देंगे गाइस, और यहाँ पे करीब 10 लोग हैं जो रोटी बना रहे हैं। रोटी मेकिंग में इतने ज़्यादा लोग मैंने पहली बार देखे हैं। सर रोटी भी रहती है और भी कुछ रहता है यहाँ पे? सिर्फ रोटी रहती है, ठीक है। ये देखिए, और इन्वायरमेंट आप एक बार चेक करिए गाइस, पूरा हुड वुड सिस्टम बना रखा है। और ये रोटियाँ रेडी हो चुकी हैं सर। रोटी में कुछ बटर घी वगैरह रहता है? बटर रहता है, ठीक है। ये बटर वगैरह है जो लगता है रोटी पे, बढ़िया। और मैंने सुना 70 रुपीज़ में अनलिमिटेड रहता है यहाँ पे, 80 रुपीज़ में पर पर्सन कितना भी कुछ भी खा सकता है, बढ़िया यार। तो भाई एक बार आप इन्वायरमेंट यहाँ चेक कर सकते हैं, सारे यहाँ बैठ के मज़ा ले रहे हैं अनलिमिटेड थाली का। यहाँ पे अपने आप ही सब कुछ चलता हुआ आएगा, जैसे कि डस्टबिन भी आपके पास ही आ रहा है। तो बाकी बुफे सिस्टम रहेगा, आप जो चाहे सबसे यहाँ पे जाके ले सकते हैं, डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर सारे लाइन में लग के एक प्लेट में जितना चाहे अपनी मर्जी से ले सकते हैं सर। अच्छा, झूठा छोड़े अगर कोई तो उसका क्या रहता है सर? फेंक देने का। अच्छा, कोई उस पर वो चार्ज नहीं रहता? नहीं, चार्ज भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। पर ऐसा मतलब कम यूज़ करे, कम खाए, वेस्टेज ना हो, जिसको जो चाहे वो अपने पसंद का ले सके जी। बाकी रायता वगैरह भी अनलिमिटेड में रहता है? छाछ एक बार, बाकी सब जो खाने का है। अच्छा, छाछ एक बार आएगी, छाछ एक बार, ठीक है। तो थाली हमने ले ली है। अच्छा सर कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम सर्व खुद कर लीजिए, उसके बाद हमारे जो ये घूमते रहते हैं यहाँ पे जो सहयोगी हैं वो आपको बांटते रहेंगे, आपको उठने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे छोले की सब्ज़ी, छोला डालते हैं हम, झूठा नहीं छोड़ेंगे गाइस। यहाँ पे हम तीन जने हैं, एक थाली में ही खाएंगे। फिर आगे आलू मटर, मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। दाल, अच्छा मीठी वाली कौन सी इनमें से? ये आगे वाली मीठी थी, ये नॉर्मल रहेगी। ठीक है, ये आगे छाछ थोड़ा एक बार चला के दिखाइए। अच्छा मीठी रहती है, नमकीन रहती है? ये नमकीन रहती है, ठीक है। ये आपको वन टाइम यहाँ सर्व मिलने वाली है, ये देखिए। और अगर किसी को एक्स्ट्रा ग्लास लेना हो एक के बाद, तो पेमेंट कुछ रहता है उसका? एक बार बीस के साथ आएगा, दोबारा एक्स्ट्रा में, दोबारा एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में कितना रहेगा? 10 रुपये ग्लास है, ठीक है भाई। फिर आगे चावल, चावल भी खुद डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ खुद डालना है यहाँ पे, आप क्वान्टिटी भाई आपको देखने की कितनी रहे सर, आप हमारी डाल दीजिए।
ठीक है, काफ़ी है। फिर ये नींबू सैलड वगैरह भी यहाँ पे रहता है पूरा। चुकंदर वैसे गुजरात में काफ़ी चलता है सर, ये मैंने देखा सैंडविच हो चाहे कुछ हो चुकंदर ज़रूर डलता है उसमें। तो सर्विंग का ऐसा रहता है कि फर्स्ट टाइम आपको डालना पड़ेगा, सेकंड टाइम ये आपकी सीट पे आते रहेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, बार बार आपको खाने के बीच उठना नहीं पड़ेगा। और ये आ चुकी है हमारी 80 रुपीज़ की अनलिमिटेड थाली, अनलिमिटेड गुजराती थाली। अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें तीन चीज़ें, ये पनीर आप देख रहे हैं ये पंजाबी थाली में रहेगा, और ये श्रीखंड और ये गुलाब जामुन आपको अलग से लेना पड़ेगा, स्वीट्स नहीं रहेंगी। बाकी सारी चीज़ें जितने भी है, चावल रोटी पांचों सब्जी अनलिमिटेड, एक बार आपको छाछ सर्व होगी यहाँ पे। और पंजाबी थाली 110 रुपीज़ के यहाँ पे है ना सर, 110 में आप चाहे पंजाबी आइटम्स भी ले सकते हैं, चाहे आप गुजराती आइटम भी ले सकते हैं, तो वो एक मेगा अनलिमिटेड थाली हो जाएगी, उसके अंदर आपके 10 आइटम आ जाएंगे नियरली। तो इससे सस्ता गुजरात में शायद कहीं और नहीं मिलने वाला है ना सर, आराम से दो टाइम का खाना कर सकते हैं। आइए ट्राई करते हैं और बताते हैं, पहले आपको सब्जियाँ दिखाते हैं कौन कौन सी हमारे पास। पहले हमारे पास है छोले हैं, देख सकते हैं, छोले के बाद दाल आएगी, ये वाली रहेगी तीखी वाली नॉर्मल दाल जो आप खाते हैं, फिर ये गुजराती दाल रहेगी मीठी रहेगी यहाँ पे थोड़ी, ठीक है। श्रीखंड जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, ड्राई फ्रूट से भरा पड़ा होता है। उसके बाद यहाँ का पनीर देखते हैं पंजाबी में आएगा, फिर आएगा ये हमारा सेव, सेव भाजी, और ये रस्सेदार आलू। ये हमने अलग से बनाया, 10 रुपये का पर पीस आपको मिलने वाले गुलाब जामुन, 30 रुपीज़ का श्रीखंड। अगर आपको ग्लास एक्स्ट्रा चाहिए छाछ का तो आपको 10 रुपये पे करने पड़ेंगे। बाकी कितनी रोटी खाओ, कितने चावल लो, कितनी सब्जी लो, सब अनलिमिटेड रहेगा। आइए टेस्ट करते हैं। आप पतली पतली रोटियां हैं सर, आप भी आइए, आइए टेस्ट करते हैं कुछ कुछ सब्जियां। आप दोनों हाफ आप ट्राई करिए, हाफ मैं ट्राई करता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे सेव भाजी से। ये मीठा नहीं रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा, जो नॉर्मल हम सब्जी खाते हैं उसके तरह। मीठे में सर ये सब्जी में सिर्फ दाल रहेगी, गुजराती दाल रहेगी। सही है, बढ़िया लग रही है, स्पाइसी है थोड़ी और मज़ा आ रहा है खाने में। आई सर आप भी लीजिए ना। फिर आ जाते हैं हम पनीर पर, ये पंजाबी में रहेगी। आपने कहा कि यहाँ पे आपको फैमिली के साथ आना जाना लगा रहता है, ऑथेंटिक गुजराती डिश मिलेगा आपको सारी सब्जियों के अंदर। अच्छा, सही है, गुजरात में जैसे सब्जियाँ बनाई जाती है, जैसे खाना बनता है, वैसा टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, बढ़िया। प्लस 300-400 रुपये में कोई भी अपना पेट, मतलब चार्ज ने फैमिली पूरा पेट भर सकती है। गुजराती दाल पर आते हैं, थोड़ी खट्टी भी ढील रहती है, बढ़िया क्या कि नॉर्मल दाल। सर क्वालिटी भी यहाँ पे बढ़िया मेंटेन करते हैं, और जितना हो सकता है उतना हाइजीन भी मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है। ऊपर से ये है कि चाहे कितना ही अमीर हो कितना ही गरीब हो, सब मिलके बैठ कर एक साथ खाते हैं, तो वो वाली एक फीलिंग आप देखेंगे मेरे पूरे साइड में भरा पड़ा है सारा टेबल, इससे आपको आवाज़ भी थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी। यहाँ पे सारे बैठ के एक ही टेबल पे और खाते हैं, कभी कभार एक फैमिली सा भी लगता है कि भाई साथ बैठे हुए बंदा। भाई ज़रा श्रीखंड वगैरह पर आते हैं जो कि मेरा फेवरेट है, पहले गुलाब जामुन, इससे फेवरेट तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो पहले आ गया गुलाब जामुन, इससे फेवरेट मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये देखिए बोल, पहले चलो ये पूरा पीस खाता हूँ। बहुत सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा ही सॉफ्ट है। मलाईदार गुलाब जामुन बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। फिर आते श्रीखंड पे, श्रीखंड गुजराती थाली में हमें मिलता है वैसे ना, मैंने चंद्रविलास पे ट्राई करा, थोड़ा ज़्यादा मीठा रहता है पर मुझे बहुत पसंद आया, थोड़ा डिफरेंट रहेगा।
ड्राई फ्रूट भरे रहते हैं श्रीखंड में, 30 रुपीज़ का आपको मिलने वाला है सर। ये दूध से ही बनता है हमारा, इसके अंदर मैंगो फ्लेवर डाला जाता है। अलग अलग फ्लेवर के गुजरात में श्रीखंड होते हैं। अच्छा, ये मैंगो फ्लेवर श्रीखंड है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैंगो का भी फ्लेवर आपको। हाँ वही, बट बहुत ही टेस्टी। और ये बहुत हैवी रहता है, बहुत गाढ़ा रहता है, स्टिकी सा रहेगा पूरा। और अगर आप ये एक कटोरी खा लेते हैं ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी आधी भूख तो यूं ही मिट जाती है। कमाल की गुजराती थाली है, जितना चाहे उतना यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। और मेरी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि गाइस, अगर आपको अनलिमिटेड मिलता है ना, तो वेस्ट करने से बचे, फूड वेस्ट ना करें। हालांकि यहाँ पे आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा कि वेस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी क्वांटिटी छोटी कटोरी रहेगी तो ये अच्छी बात है कि आपकी सर्विंग साइज जो है थोड़ा छोटा रहेगा, जैसे कि खाना वेस्ट कम हो। तो आप आए ट्राई करें गुजरात में रजवाड़ी, रजवाड़ी थाली के नाम से सर। रजवाड़ी भोजनालय, रजवाड़ी भोजनालय के नाम से बहुत फेमस है। ट्राई करें, ट्राई करें, बताएं ये किस में रहता है, लंच डिनर कैसे रहता है? लंच में भी दाल, ये सारा सब वैसा रहता है, लेकिन लंच में दाल चावल मिलता है। अच्छा, रात को पूरा मेनू यही रहता है, लेकिन दाल चावल की जगह कड़ी खिचड़ी भी साथ में मिलती है। अच्छा, दाल चावल भी होती है, कड़ी खिचड़ी, लेकिन उनकी जो रजवाड़ी कड़ी खिचड़ी है बहुत ही यहाँ की फेमस है और बहुत ही जबरदस्त मिलती है। तो वो भी अनलिमिटेड रहेगी? वो भी अनलिमिटेड रहेगी। अच्छा, थाली के साथ सही है। तो भाई आप आ सकते हैं इन्जॉय करने इसको, और कमाल की थाली है, 80 रुपीज़ में आप अपना भरकर पेट भर सकते हैं पूरा। साथ में ठंडी ठंडी नमकीन छाछ रहेगी, खाने को डाइजेस्ट करने के बहुत काम आएगी। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं कैसी वीडियो आपको लग रही है गाइस। और थैंक यू सो मच राठौर जी, आप इतने बड़े बड़े जेंट्स हमें कवर करवा रहे हैं गुजरात में, गांधीनगर में। तो आपको क्या बेस्ट लगा इसमें मुझे बताएं कमेंट करके। और गुजराती थाली में मतलब मेरी जो फेवरेट चीज़ है ना, वो मेरे को मीठे में श्रीखंड लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।